तत्त्वं च नन्दे आनन्दे माउ चेयने नन्द सहाउ परमितात्ते पदे विन्दे पाउ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशी गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिने वर हम अर्थ ति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शोधात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सारं ज्ञानमयं सम्मिति दर्शने त्वं सम्यक्ति चरणं चेतन्निरूपम् बोलिए सह समय शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण करण मिलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध देशना। अमृत का अर्थ तो पता ही है ना भगवान जी, इतना सुनते से रस झर जाना चाहिए क्या कि जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना, अर्थात वो काल जिस काल में जीव संसार के समस्त दुखों से मुक्त होके, बहुत अच्छे सुनो, वो काल वो समय जिस समय जीव सारे पर समय से मुक्त होके, पर पर्याय परिणमन प्रभाव कसाय मोह राग देश आदि व्याधि उपाधि जितने भी संसार के विघ्न बाधाएं हैं, जितना भी पर्याय का परिणमन है, जितनी भी अशुद्धता है परिणमन में, स्वभाव में तो है ही नहीं, जितना भी परकाल का परिणमन है, पर पर्याय भूत वर्तमान भविष्य का परिणमन है, जितनी भी पर्याय में अशुद्धता है, जितना भी पर्याय परिणमन रूप संयोग में जितनी भी उपद्रव है पर्याय के प्रपंच हैं, उन सारे उपद्रव से रहित, उन सारी आकुलता व्याकुलता कलेश राग देश मोह आदि से रहित जीव को अमृत रस का रसास्वादन कराने वाला काल, अर्थात स्वसमय का सहकार चल कराने वाली ये अमृतमय जिंदेशना। अमृत जहाँ स्वसमय का बोध हो, स्वसमय की जागृति हो, स्वसमय चैतन्यमय परमात्म सत्ता का जागरण हो, स्वसमयमय अंतरात्मा का जागरण हो कि अहो मैं तो ध्रुव शुद्ध परमात्म सत्ता हूँ बस, और भूत वर्तमान भविष्य रूप जो परकाल का परिणमन चल रहा है, इससे जीव की दृष्टि बिल्कुल जीव की अनंत काल की जो स्वीकारता है उपयोग की, उपयोग काय को स्वीकार कर रहा है, ये पर काल को, पुत्र को परिवार को अच्छे भाव बुरे भाव राग द्वेष कर्तव्य शुभ भाव अशुभ भाव इनको स्वीकार कर रहा, इन सबकी स्वीकारता को त्यागने का काल है ये, इन सबके इन सारे परिणमन से इन सारी पर्याय दृष्टि से अलग बिल्कुल रहित अपने परम पारिणामिक ध्रुव चैतन्यमय स्वरूप का सहकार कराने वाली, ये काय का सहकार कराने वाली अपने परम तत्व परमात्मा ध्रुव त्रिकाली स्वभाव का सहकार कराने वाली ये अमृतमय शुद्ध देशना है। अच्छा आप खुद बता क्या क्या बताएं कि यह अमृतमय देशना आपको जे अमृतमय देशना काल में आपको आपका उपयोग क्या स्वीकार करता है। बाकी समय तो घर गृहस्थी में तो नाना प्रकार के विकल्प रहते हैं, नाना प्रकार के द्वंद रहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि महास्वरूप की स्वीकारता नहीं होती, लेकिन महा तो पर्याय धारा के साथ परिणमन धारा के साथ जीव बह भी रहा है, अर्थात जीव का उपयोग पर में भी एकमेक हो जाता है,
अब क्योंकि अब इतनी ज्ञान दर्शन की निर्मलता नहीं है ना, तो वहाँ भी एकमेक हो जाता है। लेकिन ये काल तो ऐसा काल है, ये जिन जैन वचनों का समय, जिन वचनों को श्रवण करने का काल तो ऐसा काल है जिस काल में परिणमन में भी पर्याय में भी एकमात्र मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, एकमात्र उपयोग एक सत्य को ही स्वीकार करता है, वो दूसरी कोई बात अंदर प्रवेश नहीं करने देता। विचार करो, एक बार अच्छे से विचार करो, इस काल में, जिन वचनों के काल में, जिन देशना के काल में तो उपयोग एकमात्र ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, एकमात्र स्वसम्य को स्वीकार करता है, और स्वसम्य के अलावा और कुछ स्वीकार ही नहीं करता, और कुछ अंगीकार ही नहीं करता, और कुछ पर्याय भाव परिणाम दिख भी जाए, आ भी जाए, तो उन्हें पूर्णता से नकार के अलग कर देता है। तो भैया क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि ये अमृत रसायन झर रहा है इसका, इस समय जिनेन भगवान की वाणी में, सर्वक देव के वचनों में अमृत रसायन का झरना झर रहा है, अमृत रसायन का, जिनेन भगवान की देशना में अमृत रसायन का झरना झर रहा है, बिल्कुल रस टपक रहा है, अतीन्द्रिय रस, अतीन्द्रिय आनंद का रस, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, चैतन्य चिदानंदमयी है तू, ज्ञान घन स्वरूप है तू, ज्ञाता दिष्ट स्वभाव वाला है, एकमात्र निखालिस आद्यमनादि शुद्धम अतीन्द्रिय स्वभाव कह रहा है जिनेन्द्र, सर्वज्ञ परमात्मा एकमात्र अतीन्द्रिय स्वभाव कह रहा है, इंद्रियों से अतीत, मन वचन काया से अतीत, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव कह रहा है। अब आप बताओ भगवान जी, क्या आपको आपके स्वकाल का, स्वसमय का बोध आ रहा है? स्वसमय में परमात्मा स्वरूप में अंतरात्मा आपको परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है कि देखो ज्ञान ज्ञान में परिणमित हो रहा है, दर्शन दर्शन में परिणमित हो रहा है, आत्मा के अनंत गुण रूप परिणमित हो रहे हैं, और भैया फिर जब आत्मा के अनंत गुण आत्मा रूप ही परिणमित हो रहा है, आत्मा अनंत गुणों से शुद्धि है, आत्मा अनंत गुणों में विहार कर रहा है, ये आत्मा अनंत गुणों का ही पिंड है, तो भैया फिर विभाव रूप परिणमन कहाँ हो रहा है? ये विभाव रूप परिणमन मात्र एक समय के पर्याय में हो रहा है, मात्र एक समय के परिणमन में हो रहा है, मात्र एक समय की वैभाविक दशा में हो रहा है। इस वैभाविक दशा के चलने के काल में भी, इस वैभाविक दशा के चलने के काल में भी मैं अपने ध्रुव रूपी परिणमित हो रहा हूँ। क्या आपको ये सत्य स्वीकार हो रहा है? स्त्री पुरुष पर्याय, ये सारी पर्याय परिणमन चलने के काल में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में से मिथ्या दर्शन का परिणमन तो बिलाया है, मिथ्यात्व तो बिलाया है, तो मिथ्यात्व बिलाने से अभी ज्ञान का कुज्ञान रूप परिणमन शेष है, अज्ञान रूप, और चारित्र मोह की दशा भी शेष है, और दर्शन मोह भी पूर्णता से नष्ट नहीं हुआ, अभी मोहिनी कर्म का पूर्णता से अभाव नहीं हुआ, अभी इस मोहिनी कर्म के मोह के पूर्णता से अभाव ना होने के काल में भी जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणमन अभी शेष है इस जीवात्मा के पास, इस काल में भी मेरे सारे गुण शुद्धता रूप परिणमित हो रहे हैं। क्या आपको ये सत्य स्वीकार है? ऐसे वैसे स्वीकार नहीं हो, हाँ भैया स्वीकार ऐसे नहीं, हाँ क्या आपको ऐसे सत्य की प्रतीति में है कि नहीं? मैं तो शुद्ध ही रूप परिणमित हो रहा हूँ, शुद्ध ही रूप परिणमित हो रहा हूँ। भैया भैया अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत का परिणमन शेष है अभी, भैया तो आपको सम्यक दर्शन और ज्ञान चायत का परिणमन भी तो प्रकट हो गया, भैया दोनों परिणमन एक साथ कैसे चल रहे हैं? भैया देखो मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत का परिणमन अनादिकालीन अनादि जैसे मिथ्या दर्शन जैसा तो नहीं है आपके पास, लेकिन राग भाव चल रहा है वो भी तो मिथ्या भाव है ना, द्वेष भाव चल रहा है वो भी मिथ्या भाव है ना, और अभी उनमें अनुरक्ति हो जाती है, उनमें उनका पक्ष हो जाता है, तो अभी उनका पक्ष है ना, अभिप्राय में थोड़ी अपनी कसाय अनंतानंदी कसाय का मिथ्या अभिप्राय तीव्र कसाय रूप क्रोध आदि जन्म ले लेते हैं ना, तो अभी मिथ्या रूप परिणमन भी शेष है जीव के पास, सम्यक दर्शन जिनका भी परिणमन चल रहा है, ज्ञान का भी परिणमन चल रहा है, सम्यक का चरण चारित्र से चारित्र का परिणमन भी चलता है, लेकिन बीच बीच में ज्ञान में जब अंतराल आता है तब ये अज्ञानता का परिणमन भी चलता है, लेकिन वो ज्ञान रूप परिणमन चल रहा हो अपना या अज्ञान रूप परिणमन चल रहा हो, वो तो दोनों परिणमन है,
ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन चलता है तो जीव को तो आनंद ही आनंद है, लेकिन ज्ञान के परिणमन में थोड़ा बहुत अंतराल आए और अज्ञान रूप परिणमन होने लगे तो क्या उस अज्ञान रूप परिणमन के काल में भी और ज्ञान रूप परिणमन के काल में भी क्या तुम्हारी अंतरात्मा क्या तुम्हारा उपयोग इस सत्य को स्वीकार करता है? क्या भैया क्या के कौन से सत्य को क्या उपयोग में प्रतीति आके झूलती है? मैं कैसी प्रतीति कि आद्यमन आदि शुद्धम जिन वैनम जयवंतम कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि मेरे अनंत गुण अनंत स्वरूप में अनंत रूप ही परिणमित हो रहा है, अपने अनंत स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा है। ये किस काल में? जिस काल में स्त्री पुरुष पर्याय रूप संयोगी अवस्था करण धाराएं राग देश आदि के विभावी परिणाम ये सारे विभाव परिणाम जिस समय परिणमित हो रहे हैं चतुर्गति संसार की जो यात्रा परिभ्रमण की जो यात्रा चल रही है इस यात्रा के काल में भी मेरे द्रव में मेरे अनंत गुण मेरे द्रव रूप ही परिणमित हो रहे हैं, पर द्रव रूप परिणमित नहीं हो। विभाव रूप परिणमन के काल में भी मेरा स्वस्वभाव कायम सत्ता है, मेरा स्व समय कायम सत्ता है, अस्तित्व रूप में विद्वान है, मेरे अस्तित्व में मेरे स्वभाव में मेरे स्वकृत स्वयं का जो मेरा सुखी स्वभाव है मेरे स्वयं के स्वयं में जो स्वभाव मेरा है उस स्वयं के स्वयं स्वभाव में कोई भी चल विचलपना नहीं आ रहा। तो भैया चल विचलपना कहाँ आ रहा है? ये जो चल विचलपना जो दिख रहा है आपको पर्याय परिणमन का ये एक समय की अवस्था में है। ओ भैया कहाँ है एक समय की अवस्था में? ये पंचम काल की एक समय की अवस्था में है। और आपकी यदि यहाँ की आयु पूरी हो जाएगी पंचम काल की इस मनुष्य देह की स्त्री पर्याय की तो आपका स्त्री पर्याय का परिणाम भी आ जाएगा, आपका पुरुष पर्याय की देह पूरी का परिणाम पूरा हो जाएगा तो पुरुष पर्याय की देह का परिणाम भी आ जाएगा। भैया अब कहाँ का परिणाम प्रकट होगा? अब आपका जो आगामी पर्याय बंधी हुई है जो कर्म बंधे हुए हैं उन पर्याय का परिणाम प्रकट हो जाएगा। भाई किसका परिणाम प्रकट होगा? वो उस काल का उस पर्याय का परिणाम प्रकट हो जाएगा। किस काल का किस पर्याय का? जिस काल में इसका जन्म होगा जिस पर्याय का जन्म होगा स्त्री पुरुष देव नपुंसक नारकी जिस पर्याय में जीव को जाना होगा उस पर्याय का परिणाम प्रकट हो जाएगा। भाई क्या कहना चाह रहे हैं अपन? हम ये कहना चाह रहे हैं ये परिणमन तो अपनी योग्यता से चल रहा है, जैसे शुभ अशुभ भाव है उनके अधीन चल रहा है, ये परिणमन पे ज्ञानी की दृष्टि थोड़ी ना है, ये परिणमन को ज्ञानी स्वीकार थोड़ी करता, ये परिणमन ज्ञानी की दृष्टि में स्वीकार थोड़ी ना होता। कौन सा परिणमन भैया? संसार का स्त्री का पुरुष का क्रोध का लोभ का स्वार्थ का अहंकार का ये परिणमन ज्ञानी की दृष्टि में स्वीकार थोड़ी ना होता। क्यों? क्योंकि ये तो एक समय के नाशवान पर्याय है। वर्तमान में स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय ये पंचम काल का परिणमन चौथे काल का परिणमन ये परिणमन ज्ञानी की दृष्टि में स्वीकार थोड़े ना होते। फिर भाई ये क्या स्वीकार होता है ज्ञानी की दृष्टि में? ज्ञानी की दृष्टि में तो मैं ध्रुव और शुद्ध हूं, आद्यमन आदि शुद्धम हूं, स्वसमय में परमात्मा हूं, स्वसमय में परमात्मा हूं, मेरा पर पर्याय में परिणमन नहीं है, ये स्वीकार हो रहा। कल निकल गया परसों निकल गया नर्क निकल गया निगोद निकल गया 84 लाख योनियों का परिभ्रमण निकल गया, देखो देखो हम स्त्री पर्याय में इस स्त्री पर्याय के बाद हम आगे जाके देव पर्याय में चले गए, देखो देखो हम तो पहले कुत्ते की पर्याय में थे बिल्ली के पर्याय में थे वहां से निकल के यहाँ स्त्री में आ गए पुरुष में आ गए। ये पर्याय तो उस काल में जिस काल में घट रही थी उस काल की थी और उस काल में घटने के बाद उस काल में समाप्त हो गई। इस काल में जो घट रही है पर पर्याय ये इस काल की है, ये इस काल में घट के पूरी हो जाएंगी, इस काल में जितनी आयु है इस आयु के साथ पूरी हो जाएंगी। लेकिन भैया जी हे भगवान जी क्या कि ये पर्याय तो इस शरीर के साथ ही पूरी हो जाएगी, इस परिणमन के साथ पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं तो इस पर्याय परिणमन से अतीत परम ध्रुव चैतन्यमय आत्मा हूं। क्या तुम्हें इसे अपने अक्षय शाश्वत अनादि निदान ध्रुव स्वभाव का बोध है कि मैं तो जावंत स्वरूप परमात्मा हूं, ध्रुव और शुद्ध हूं, मैं जावंत स्वरूप आत्मा हूं,
ध्रुव और शुद्ध हूं, यह पर्याय के परिणमन का काल चल रहा है, मेरे परिणमन का काल नहीं चल रहा। राग में, देश में, मोह में, कहने में, सुनने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, किसी से बोलने में, बताने में, कुछ करने में, कुछ धरने में, उठाने में, रखने में, घर का पालन पोषण करने में, निमित्तों के बीच में रहने में, संयोगों में राग में, संयोगों के देश में, ये टोटल परिणमन, पर्याय का परिणमन चल रहा है, मेरी आत्मा का परिणमन नहीं चल रहा है। सीखा, मेरी आत्मा का परिणमन तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में चल रहा है अभी इस समय, इस काल में। किसने कहा ऐसा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। श्री केवलम ज्ञान विरोगी तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। क्या कहा भैया? कि इस समय जो उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, यहाँ शरीर के साथ रह रहा है, वो जो भी रह रहा है, जो भी चल रहा है, वो सारा पुद्गल का बंधा हुआ परिणमन चल रहा है, एक समय की पर्याय में होने वाला परिणमन चल रहा है। और भैया फिर सत्य क्या है? सर्वज्ञ भगवान ने देख के कहा है कि यह आत्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा ने केवल ज्ञान में देख के कहा है, यह आत्मा स्व समय मई शुद्ध आत्मा है और अभी अपने शुद्ध गुणों रूप परिणमित हो रहा है, अपने शुद्ध गुणों रूप परिणमित हो रहा है, अपने शुद्ध गुणों रूप जानने में आ रहा है, शुद्ध गुणों रूप पहचानने में आ रहा है। किसको? ज्ञानी को। अभी केवल ज्ञानी परमात्मा को यह जीव आत्मा अभी इस पल ही शुद्ध विशुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप जानने में आ रहा है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। अब क्या केवल ज्ञानी परमात्मा की, केवल ज्ञान की जो सम्यक दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, उस शुद्ध दृष्टि में यह आत्मा शुद्ध परम पारणामिक परम तत्व रूप परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है, तो क्या है भव्य आत्मा, तुझे ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि स्वीकार है? तुझे क्या ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि स्वीकार है? कैसे भाई, कैसी दृष्टि? वो कह रहा है अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में ये तेरा आत्मा इस पल, इसी क्षण, इस घड़ी पूर्ण शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है। ये केसरी केवलम ज्ञान विलोकित तत्त्वम, ये केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में आने वाले तत्व का स्वरूप है। भैया हमारी दृष्टि में तो अभी तत्व का स्वरूप शरीर रूप आ रहा है, मोह रूप आ रहा है, राग रूप आ रहा है, देश रूप आ रहा है, कर्तृत्व रूप आ रहा है, भोक्तृत्व रूप आ रहा है। वो कह रहा है ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, ये दृष्टि अशुद्ध दृष्टि है, ये दृष्टि मोहात्मक दृष्टि है, ये दृष्टि सांसारिक प्राणियों की दृष्टि है, ये दृष्टि पर्याय दृष्टि है, ये दृष्टि परिणमन की दृष्टि है, ये दृष्टि ही संसार परिभ्रमण का कारण है। अरे भैया मतलब ये जो दिख रहा है सब झूठ है? हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, झूठ है। ये जो बोल रहा है वो झूठ है, जो शब्द जो जिनवाणी कह रहा है वो नहीं, ये जो शब्द है वो निकल रहा है झूठ है। हाँ झूठ है। ये जो यहाँ बैठ के बोल रहा है ये झूठ है। ये जो पुद्गल का पिंड बैठ के बोल रहा है झूठ है। हाँ झूठ है। ये पुद्गल का पिंड जो यहाँ बैठ के इंद्रियों सुन रहा है झूठ है। हाँ झूठ है। फिर सत्य क्या है? श्री केवलम ज्ञान विलोकित तत्व, जो केवल यानी परमात्मा की दृष्टि में दिखाई दे रहा है वो सत्य है। क्या दिखाई दे रहा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, कि यह आत्मा शुद्धात्मा शुद्ध स्वरूप शुद्ध गुणों में ही शुद्धता से परिणमित हो रहा है, यह सत्य है। अब आप बता दो भैया, क्या आपको जिनेन्द्र भगवान की यह अमृतमय देशना, जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध दृष्टि, जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध दृष्टि वो आपको स्वीकार है, या फिर आपकी आंखों से जो आप देखते हो वो आपको स्वीकार, पुद्गल आंखों से, शरीर की पुद्गल आंखों से जो आप देखते हो, जो पुद्गल कानों से आप सुनते हो, जो पुद्गल स्पर्शन इंद्रिय से आप महसूस करते हो, जो आप मन से मानते हो, जो आप मन से स्वीकार करते हो संसार को, वो अज्ञान में कुज्ञान में परिणमन का स्वामी आप अपने आप को स्वीकार करते हो, या फिर जो सर्वज्ञ भगवान देखते हैं उनकी दृष्टि में जैसा द्रव का स्वभाव झलकता है, जैसे सर्व द्रव्यों की व्यवस्था झलकती है, आप उसे स्वीकार करते हो? आप अपनी स्वीकारता बता दो भैया जी, आप अपनी स्वीकारता बता दो कि सर्व भगवान जैसा देखते हैं वैसा स्वीकार करते हो?
या फिर अनादि काल से जैसा मिथ्या आप मानते हो वैसा स्वीकार करते हो, जैसा सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा देखते हैं वैसा आप अपने आप को देखते हो, या फिर जैसा आपकी मनमानी चल रही है अनादिकाल से, मोह की, काम की, वासनाओं की, विषय की, भोगों की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पुण्य का उदय आना चाहिए, पाप का उदय नहीं आना चाहिए, पाप के उदय में दुख रहता है, पुण्य के उदय में सुख रहता है, अनादिकालीन जो मिथ्या मान्यता चल रही है वैसा आप अपने आप को मानते हो, या फिर जैसा सर्व भगवान कह रहा है वैसा आप अपने आप को देखते हो? ये बहुत बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दिया आपने। क्यों भैया? देख हमें और कुछ रहा है, मन हमारा संसार की ओर बोल रहा है, संस्कार हमारे शुभ अशुभ भाव की ओर चल रहे हैं, परिणाम हमारा स्त्री पुरुष पर्याय रूप चल रहा है, विषय काम भोग रूप, और आप कह रहे हो कि जिनेन भगवान कह रहा है तू अतीन्द्रिय है, तू भोग ही नहीं रहा, तू कर ही नहीं रहा, तू खा ही नहीं रहा, तू पी ही नहीं रहा, तू चल ही नहीं रहा, तू बोल ही नहीं रहा। अब जिनेन भगवान तो भैया शुद्ध ही शुद्ध कह रहे हैं और हमें अशुद्ध ही अशुद्ध दिख रहा है अपनी आंखों से। अब भैया बताओ, हम बड़ी दुविधा में फंस गए। अब आप बता दो भैया, यदि आपको जिनेन भगवान की वाणी स्वीकार है, निर्वाण जाना है, सिद्धि की संपत्ति को प्रकट करना है, तो फिर सर्वज्ञ देव कह रहे हैं वही सत्य है, सर्वज्ञ देव जो कह रहे हैं वही स्वीकार करना पड़ेगा, सर्वज्ञ देव जो कह रहा है वही स्वीकार करके वही उसी उसी सत्य को देखना पड़ेगा, उसी सत्य की प्रतीति और बोध को जागरण करना पड़ेगा। और यदि भैया नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा, भय लग रहा है, डर लग रहा है, स्वीकारता में नहीं आ रहा है, भैया भैया इतनी गहरी बात, इतनी ऊंची बात, अंदर बैठ नहीं पा रहा है, भैया हम क्या करें, अरे ऐसा मन घबरा रहा है, ऐसा डर लग रहा है, तो भैया फिर आपके श्रद्धा में कमी है। आप सर्वज्ञ भगवान की जो दृष्टि है उस दृष्टि को स्वीकार नहीं करके, जो अनादिकाल से आपके संस्कार है, जो आपका मन देख रहा है, आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। देखो इसे कहते हैं अहंकार। काय का अहंकार? कैसा अहंकार भैया? सर्व भगवान जो कह रहे हैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा जी, मन का अहंकार, मत का मत। कहते हैं भैया 28 मत, वो 8 मत कौन कौन से हैं? ये है मत, मत कौन से हैं भैया 8 मत, जो दर्शन की निर्मलता नहीं होने देते, कला मत, शिल्प मत, ये जो मत का है ये मत तो मन इन 8 मदों से मदमस्त होके, जाति मत, कुल मत, अपना ये मत, जितने भी 8 मद हैं, ये इन मदों में मदमस्त होके, ये आत्मा मन के मदमस्त होके, मन के मद में इन 8 मदों के द्वारा अपने पौद्गलिक अहम को बचाता है। मैं तो स्त्री पर्याय में, मेरी जाति ये है, मेरा कुल ये है, मुझे मेरी कला ये है, मेरा कार्य ये है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मेरा ज्ञान ये है, मुझे इतना ज्ञान है या मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इस प्रकार के मद में मन मदहोश है, मद में इन 8 मद में मन मदहोश है, मन मदहोश अर्थात अर्थात मन इन 8 मदों के द्वारा, इन मदों के द्वारा जीव को मन, जीव को मन, मन जीव को क्या कर रहा है कि जो बाहरी परिणाम चल रहा है, बाहरी परिवेश चल रहा है, उसकी अहम रूप प्रवृत्ति उसके अंदर में बैठी हुई है, पर्याय की अहम रूप प्रवृत्ति बैठी हुई है। मैं तो अभी ऐसा हूँ, मुझे तो अभी केवल ज्ञान स्वरूप दिख ही नहीं रहा, मुझे तो अभी शुद्धात्म का अनुभव हो ही नहीं रहा, अभी तो मैं मान कसाय हो रही है, अभी तो मुझे मेरी कला ये है, मेरी शिल्प मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, या फिर मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, या फिर अभी तो मेरी ऐसी जाति है, या तो अभी मेरा ऐसा परिणाम है, अभी तो मेरा ऐसा है, ये नाना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पुद्गल पर्याय को स्वीकार कर रहा है। मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है मत करने का, मन काहे का मत कर रहा है भैया? ये एक एक समय की पर्याय का, स्त्री पुरुष रूप पर्याय, स्त्री पुरुष रूप पर्याय में संस्कार है, मेरे शुभ संस्कार है, मेरे अशुभ संस्कार है, मेरे शुभ संस्कारों का परिणाम चल रहा है, मेरे अशुभ संस्कारों का परिणाम चल रहा है, मेरे मुझे अशुभ इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, मुझे शुभ इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, मेरे शुभ नियम क्रियाएं ज्यादा पाल रखी हैं, मेरे अशुभ क्रियाएं नियम की ज्यादा रुचि है। तो भैया क्या हो रहा है? ये मन मत कर रहा है, काय का मत कर रहा है, जो उसके संस्कार है उसका मत कर रहा है। मत के दो रूप है, दीनता होना भी मद ही है, दीनता होना मतलब भैया हमें ऐसा नहीं हो रहा ये भी मद है, और हमें ऐसा हो रहा है ये भी मद। मत के दो स्वरूप है, एक मत की पूर्ति होती है तो मन अहम करता है, और अहंकार की पूर्ति नहीं होती तो मन दीन होता है। तो भैया ये पर्यायों का मत है। पर्यायों का मत क्या है?
कि भैया ऐसा ऐसा मेरा परिणाम चल रहा है, ऐसा ऐसा मेरा परिणाम चल रहा है, फलाना फलाना मेरा परिणाम चल रहा है। तो ये क्या है? ये मन की स्वीकारता है। काय की स्वीकारता? मन की, मन की पर्याय की स्वीकारता है। मन का मन है ये, अपने संस्कार का मन है ये। जो चलने वाला तात्कालिक परिणाम है, इसको देखने वाला मन है, और ये परिणाम ही मेरा परिणाम है। ये अहम है, मन का अहम है। अब ये मन का अहम किसके सामने खड़ा है? ये मन का अहम खड़ा हुआ जिन्हें भगवान की दृष्टि के सामने, जिन्हें भगवान के केवल ज्ञान में जो प्रकाशित हो रहा है, उस केवल ज्ञान के सामने खड़ा हुआ है मत। और क्या कह रहा है कि सर्वा भगवान, आपकी दृष्टि में जो आ रहा है वो सही होगा, वो उसको मैं गलत गलत नहीं कह रहा। मिथ्या दृष्टि तो मानेगा ही नहीं, लेकिन अपन सम्यक श्रद्धा नहीं है ना, तो अपन लोग क्या कह रहा है कि भैया जिनेन्द्र भगवान आपकी दृष्टि में जो झलका वो सत्य होगा। सत्य होगा नहीं, चलो तो हमें श्रद्धा हो गई, तो हम कह रहे हैं भाई जिनेन्द्र भगवान सत्य है। ठीक है, यहाँ तक भी कह दे रहा है, हम तुम्हारे साइड से कह दे रहा है आज क्या, जिनेन्द्र परमात्मा आप जो कह रहा है वो सत्य है, लेकिन भगवान परम जिनेन्द्र भगवान, लेकिन अभी तो हमारी पर्याय ऐसी चल रही है ना, मतलब तुमने अपनी टांग फंसा दी जिनेन्द्र भगवान के सत्य में भी, तुमने अपनी टांग फंसा दी पर्याय की। जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत के बीच में भी आपने अपने पर्याय की टांग फंसा दी। टांग फंसाई तो गिड़ोगे आप, याद रखना जिनेन्द्र भगवान नहीं करेंगे। जिनेन्द्र भगवान तो गए, लेकिन उनके वस्तु स्वरूप को सुनते हुए भी आपने अपनी वर्तमान पर्याय की स्वीकारता की टांग फंसा दी। भाई कैसी वर्तमान पर्याय की स्वीकारता की टांग फंसा दी कि भैया भगवान जी अभी ऐसा अशुद्ध परिणाम तो चल रहा, भैया क्या हम इसकी चर्चा नहीं करें क्या, हम इससे विरक्त ना हो क्या? हाँ तो विरक्त हो ना, विरक्त होने की कौन मना कर रहा, लेकिन तुम्हें स्वीकार कर रहा है उसे, और विरक्त होने के लिए स्वीकार करना थोड़ी ना पड़ता है। तो फिर विरक्त होने के लिए कल ही बताया ना वैराग्य क्या है, विरक्त होने के लिए आपका उपयोग शाश्वतता की प्रतीति को ग्रहण कर ले तो विरक्त माना जाएगा, लेकिन आप तो अशाश्वत को ही देख रहे हो, उस अशाश्वत को ही स्वीकार कर रहे हो, उस अशाश्वत को ही बदलने का प्रयास कर रहे हो, तो आप तो विरक्त कहां हो, आप तो उसमें अनुरक्त हो। विरक्त कौन कहलाएगा भैया? हम घर से विरक्त हैं। घर से विरक्त कौन कहलाएगा? जिसे घर में रह रहा हो या जंगल में रह रहा हो, उसके उपयोग में घर की प्रतीति ना आए, घर से विरक्त कहलाएगा। और यदि कोई जंगल में रह रहा हो और उसे घर की प्रतीति आ जाए तो विरक्त। कोई यदि घर में रह रहा हो लेकिन घर में रहते हुए भी उसे घर की प्रतीति ना हो, अपने ध्रुव परमात्मा की प्रतीति हो, या फिर ऐसा समझ लो उसे मंदिर की प्रतीति हो, गृह घर में रहा हो लेकिन प्रतीति मंदिर की हो, तो वो घर में नहीं है, वो मंदिर में। क्यों? क्योंकि उसे प्रतीति काय की है। और यदि कोई मंदिर में बैठा हो उसे घर की प्रतीति चल रही हो, अब वो मंदिर में है या घर में? बस ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। विरक्त कब कहलाते हैं आप पर्याय से? जब आप बैठे आप कहीं हो, पर्याय का परिणाम जरूर चल रहा हो। पर्याय का परिणाम से विरक्ति की बात कर रहे हो ना? पर्याय का परिणाम चलते समय यदि पर्याय परिणाम से दृष्टि हटा के आपको अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की दृष्टि हो जाती तो आप विरक्त कहलाते। लेकिन आपको तो पर्याय ही दिखाई दे रही है, पर्याय की रुचि है, पर्याय को पलटने का भाव हो रहा है, तो आप विरक्त थोड़ी ना हो, तो फिर आप तो अनुरक्त हो, उस पर्याय में अनुरक्त हो। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो भैया? हम ये साबित कर रहे हैं, साबित नहीं कर रहे, हम जिनेन्द्र भगवान का ये सिद्धांत कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय वाणी में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल यानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि कह रही है कि शुद्धम प्रकाशन शुद्धार्थ तत्वम, और तुम्हारा अहंकार कह रहा है कि मैं स्त्री पर्याय में हूँ, मैं पुरुष पर्याय में हूँ, मैं कामी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं नाना प्रकार का क्रोधी संस्कारी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, ये मेरे साथ अनाचार चल कर रहा है, तुम मेरापन कर रहे हो लगातार पर्याय में। और जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं पर्याय परिणाम तुम्हारा नहीं, तुम शुद्ध और बुद्ध हो, तुम अनंत गुणमय प्रकाशित हो रहा है, तुम ध्रुवमय प्रकाशित हो रहा हो, तुम सिद्धिमय प्रकाशित हो रहा हो, तुम मुक्तिमय प्रकाशित हो रहा हो, तुम ज्ञान और आनंद में प्रकाशित हो रहे हो। अब भैया भगवान जी आप बताओ आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? आप बताओ भगवान जी आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? इस जीभ के अंदर की ऐसी कुटेब है, बहुत अच्छे सुनो, इस जीभ के अंदर की ऐसी कुटेब है अनादिकाल के ऐसे मिथ्या संस्कारों में लिप्त है इस जीभ की आत्मा अनादिकाल के मिथ्या संस्कारों में इस प्रकार से लिप्त है
इस प्रकार से लिप्त है कि इतने गहन सत्य को सुनने के बाद भी, इतने गहन सत्य को सुनने के बाद भी यदि इससे पूछो कि भैया हाँ बढ़िया, अरे भैया कहाँ बढ़िया, अभी तो सुन लिया हमने, अभी कमी है, अभी तो श्रद्धा में कमी, अभी तो भैया स्वीकारता में कमी। तो भैया काम अहंकार कर ले स्वीकारता को, हम अपने पुरुषार्थ को अहंकार कर ले, हाँ स्वाभिमान कहाँ है तुम्हें, ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। इस जीव की ऐसी कुटेव है, ऐसी कुटेव है, ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, इतनी अमृतमयी शुद्ध देशना उनकी सुनने के बाद ही मालूम क्या कहेगा, भैया बेसा बहुमान हमें नहीं आ रहा, बेसा रुचि हमें नहीं लग रही। क्यों भैया, तू तो पर्याय परिणमन से पार की चर्चा सुन रहा है ना, संस्कारों से परे, संस्कारों से परे परम पारिणामिक ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, तू तो इस ब्रह्म स्वभाव की चर्चा सुन रहा है ना, जो अतीन्द्रिय है, जो पर्याय परिणमन से अतीत है, जो पर्याय परिणमन का कर्ता भोक्ता नहीं है, जो पर समय रूप परिणमित नहीं होता, फिर काहे की डिमांड उठ रही है भैया, वो ऐसा बहुमान नहीं आ रहा। अरे अर्थात पर्याय की स्वीकारता घेरी हो रही है, भैया हम तो बहुमान की बात कर रहे हैं कि शुद्धात्मा का बहुमान नहीं आ रहा, हम तो शुद्धात्मा की रुचि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे भगवान तुम स्वभाव की रुचि बढ़ाने की बात क्या लेके किस क्या 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 खा के कर रहे हो ये बताओ पहले, कि क्या खा के कर रहा, मतलब आप पर्याय को ग्रहण करके कर रहे हो, आप बहुमान नहीं आ रहा ऐसा कह रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं है, फिर आप बहुमान नहीं आ रहा ऐसा कह रहे हो इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन बहुमान नहीं आ रहा ऐसा कहते समय आप जो पर्याय को स्वीकार कर रहा है उसमें पूर्णतः अपराध। क्यों 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 भैया, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है भैया, कि हम बहुमान नहीं आ रहा अपने पुरुषार्थ को जो बढ़ाने के लिए जो हम कह रहे हैं बहुमान नहीं आ रहा उसमें, और जो हम पर्याय को स्वीकार करके कह रहे हैं बहुमान नहीं आ रहा उसमें क्या अंतर है। जो आप पुरुषार्थ को स्वीकार कर पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए जो कहोगे बहुमान नहीं आ रहा, वो आप त्रिकाली परमात्मा को देखते हुए कहोगे, मन को देखते हुए नहीं कहोगे, परिणाम को देखते हुए नहीं कहोगे, मोह को देखते हुए नहीं कहोगे, और जो आप क्या बोलते हैं पर्याय को देखते हुए कहोगे मुझे बहुमान नहीं आ रहा, फिर वो आप कामना सहित कहोगे मुझे बहुमान आ जाए, इच्छा सहित कहोगे, आप पामरता को लेकर कहोगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप अपनी दीनता को लेकर कहोगे, आप अपने संशय मन के संशय के साथ होकर कहोगे भैया इतना सुन रहा है यहाँ क्यों नहीं रहा, भैया इतना सुन रहा है यहाँ क्यों नहीं रहा, भैया इतना सुन रहा है यहाँ क्यों नहीं रहा, आप मन के संके मन की शंका के साथ खड़े होकर कहोगे, ओ भैया मैं भी कह सकता हूँ कि यार आज बहुमान नहीं आ रहा, लेकिन मैं मन के साथ खड़ा होकर नहीं बोलूंगा, फिर मैं त्रिकाली के साथ खड़ा होकर बोलूंगा, भैया आप त्रिकाली के साथ खड़े होगे तो बहुमान क्यों नहीं आएगा, तो बहुमान तो आपका रहेगा ही, तो आपको नहीं क्यों नहीं पर्याय कुछ बहुमान की पर्याय नहीं आ रही होगी, तो बहुमान के लिए रोमांच के लिए कहूंगा जरूर कि मुझे बहुमान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुमान नहीं आ रहा मन के साथ खड़े होकर नहीं बोलूंगा, फिर मैं तो बहुमान नहीं आ रहा ऐसे कहते समय भी मात परम पारिणामिक मात की दृष्टि रख के बोलने वाला हूं, परम पारिणामिक की दृष्टि रख के कहने वाला हूं कि मुझे बहुमान नहीं आ रहा, तो मैं पर्याय को नहीं देखूंगा, परिणमन को नहीं देखूंगा, बहुमान की एक समय की अवस्था को नहीं देखूंगा, फिर मैं तो परम पारिणामिक जो त्रिकाली परमात्मा हूं उसको ही देखूंगा, मेरा बहुमान नहीं गाना कहना इतना है जैसे पानी में बुलबुले का उठना बस। और जो पर्याय को स्वीकार करके कह रहा है, बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत गहरी चर्चा, सुनो अच्छे से, जो पर्याय को स्वीकार करके कह रहा है उसका बहुमान नहीं आना ऐसा है जैसे पर्याय का परिणमन के साथ होकर कहना, अर्थात उसका बहुमान नहीं आ रहा कहना बर्फ की तरह है जमा हुआ है, भाई बर्फ जैसे जम जाती है ना, अब बर्फ पिघलेगी, मान 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 का स्वरूप बता रहे हैं, उसका पर्याय के सहित होकर कहना है, उसका बर्फ जैसा कहना, अर्थात अब जब उसकी बर्फ पिघलेगी, जब उसके अंदर कोमलता आएगी, तब उसे का बर्फ जब पिघल के पानी हो जाएगी और उसकी बहुमान की पर्याय चलने लगेगी कि वो श्रद्धानी तो है, तब वो खुश हो जाएगा, तब वो आनंदित हो जाएगा। और हम जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें बहुमान नहीं आ रहा, हमारे पानी में उठे बुलबुलों की तरह है, पानी में बुलबुले कितनी देर रहेंगे, एक सेकंड, दो सेकंड, दस सेकंड, बीस सेकंड, पच्चीस सेकंड, पचास सेकंड, लेकिन वो बुलबुले उठेंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो भैया इसका अर्थ क्या है, पानी के बुलबुलों की तरह है हमारा ये कहना, मतलब हम वर्तमान अवस्था के साथ हमारा मन का प्रवाह चल रहा है, लेकिन वर्तमान अवस्था की हमें स्वीकारता नहीं है, इसलिए हमारा कहना सिर्फ पानी के बुलबुलों की तरह है, और आपका कहना आपकी मन की मानता सही थे बर्फ की तरह जमा हुआ है। भैया भगवान क्यों नहीं आ रहा इतना सुनने के बाद, भैया ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सर्व भगवान की दृष्टि को स्वीकार नहीं कर रहे,
क्योंकि आप सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए परम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए पूर्ण सत्य को अंगीकार नहीं कर रहे कि मैं इसी समय शुद्ध बुद्ध हूं, मेरा पुद्गल रूप परिणाम ही नहीं हो रहा। आप इस परिपूर्ण परम सत्य को पूर्णता से स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए आप बर्फ की सिल्ली की तरह मन के साथ पर्याय के साथ दबके कह रहे हो, जम के कह रहा हो, पर्याय के साथ एकत्र करके कह रहा हो कि अहो मुझे बहुमान नहीं आ रहा भैया। तो देखो हम भी कह रहे हैं भैया बहुमान नहीं आ रहा, लेकिन भैया पानी के बुलबुलों की तरह हो रहा है, बस क्षणिक है, दो चार मिनट दो चार घंटे बस, उसके बाद ओ वो ही आनंदम परमानंदम, दबा नहीं पाएगी ये भाव धारा, ये अज्ञान धारा में दबा नहीं पाएगी, मन का पक्ष में दबा नहीं पाएगा और आपको दबा देगा। आप रोज रोज सुनते सुनते, अरे आपको दो चार दिन बहुमान नहीं आएगा तो आप दब जागा रहे भैया, इतने दिन से सुन रहा है लेकिन कछु हो ही नहीं रहा, आप जम रहे हो उसके साथ, मन के साथ जम रहे हो। इसे कहते हैं अहंकार, पर्याय का अहम। आप जिनेन भगवान की दृष्टि के सामने अपने पर्याय का अहम लेके जा रहा है, बहुत बढ़िया, सुनो अच्छे से। ये आप जिनेन भगवान कह रहे हैं कि तू आद्यम अनादि शुद्धम है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम है, ऐसा अनंत गुणों का नाथ चेतनमयी परमात्मा है, ऐसा जिनेन भगवान कह रहे हैं, और आप कह रहे हो अपने मन के साथ खड़े होके कि महाराज हे जिनेन्द्र देव हे भगवान, हमें ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, हम कैसे मान लें, हमारा मन में ऐसा परिणाम ही नहीं चल रहा, हम कैसे मान लें, हमारे उपयोग में ऐसी अनुरक्ति नहीं हो रही, हम कैसे मान लें। मतलब तुम्हें तत्व की श्रद्धा नहीं हुई, तुम्हें शुद्धात्म की अनुभूति नहीं हुई, तुमको भैया हुई तो है लेकिन अभी नहीं हो रही, अर्थात तुम एक समय की पर्याय को मानते हो, जिस समय अनुभूति हुई उस समय तुम परमात्मा, और जिस समय अनुभूति नहीं हुई उस समय तुम पाप आत्मा है ना। अरे नहीं भैया, हम तो भगवान आत्मा ही है, तो दोहरी नीति काय को चल रही है, डबल डबल दो नाम में बैठ के क्यों सवारी कर रहा हो, या पाप आत्मा ही हो जाओ या परमात्मा ही हो जाओ। भैया अभी श्रद्धा में थोड़ी सी कमी है, कब बढ़ेगी भैया, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब से एक ही एक बात कह रहे हैं गुरुदेव, तारण तरण देव एक ही एक बात सुना रहे हैं, क्या याद्य मनादी शुद्धा, कि आत्मा तो अनादि से अनंत तक शुद्ध है, जिनवैणम जयवंतम, चिरेन भगवान के वचन जयवंत है। चिरेन भगवान कह रहे हैं कि तो इसी समय केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत इस समय तेरी आत्मा में है, अनंत चतुष्टय इस समय तेरी आत्मा में है, अनंत सुख इस समय तेरी आत्मा में है, परम शांति इस समय तेरी आत्मा में है, परम अतीन्द्रिय सुख इस समय तेरी आत्मा में है। अब जिनेन भगवान कह रहा है कि परम सुख इसी समय है, अब आप बता भैया इस समय देख पा रहा है उसको, कहा कि भैया हमें दिख, भैया आप देखने की बात मत करो, हमें कैसे दिख जाएगा, विश्वास की नजरों से देखेगा, जिनेन भगवान के वचनों की आस्था की नजरों से दिखेगा, चाहिए थोड़ी ना है कि जो वस्तु सामने वही दिखे, जिनेन्द्र भगवान के विश्वास की नजरों से, अपनी प्रीति की नजरों से, अपने प्रेम की नजरों से, अपनी समर्पण की नजरों से, अपनी स्वीकारता की नजरों से, जीव के पास ये आंखें नजर थोड़ी ना है, जीव के हृदय में जो जिनवाणी की स्वीकारता आई है, इस स्वीकारता इस श्रद्धा की नजरों से देख पा रहा हो कि हाँ सत्य है, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वो परम स्वभाव ही सत्य है, मैं आद्य अनादि आती है सी प्रति, ओ मैं तो आद्य अनादि शुद्ध हूँ, ओ मैं तो आद्य अनादि शुद्ध हूँ, या फिर मन की कुटेम में लग रहते हो, मन कहता मोही हो, मन कहता पापी हो, मन कहता भूख लग रही, मन कहता प्यास लग रही, मन कहता यहाँ आना, मन कहता वहाँ जाना, मन कहता इसने बुरा कह दिया, मन कहता इसने अच्छा कह दिया, मन कहता ये मेरा मित्र है, मन कहता ये मेरा शत्रु है, मन कहता है कि मैं पापी हूँ, मन कहता है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मन कहता है कि मैंने परोपकार किया है, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, और कहीं मन कहता है कि भैया पूरी दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया है। तुम इस मन के साथ रहते हो भगवान जी, मन तो ऐसे ही कहेगा, नाना प्रकार से भ्रमित करेगा, मन तो ऐसे ही कहेगा, नाना प्रकार से संकलेशित परिणाम उत्पन्न करेगा, मन तो ऐसे ही करेगा, नाना प्रकार की वांछाओं कामनाओं को उत्पन्न करेगा, मन तो ऐसे ही कहेगा,
उल्टे सीधे उपद्रव कहेगा, उल्टे सीधे धंध फंद कहेगा, उल्टी सीधी भावनाएं उत्पन्न करेगा। मन का काम तो मन के जो संस्कार हैं, जिन संस्कारों से वो मन निर्मित हुआ है, दर्शन मोहिनी, चरित्र मोहिनी, ज्ञान वर्णी आदि संस्कारों से जो अनंतकालीन संसार में वो रहा है, निगोद से लेके आज तक जो 84 लाख योनि परिभ्रमण करा है, उन संस्कार अनुसार मन तो अपना परिणाम करेगा। भैया सुनो, अच्छे से सुनो, मन तो वैसी इच्छाएं कामनाएं वैसा अहम उत्पन्न करेगा। मन तो अशुद्धता का अहम लेके आएगा, मन तो अपना गारा प्रकट करेगा, मन कहेगा कि मैं ऐसा। और जिनेन भगवान कहेंगे कि तू ऐसा वैसा कुछ नहीं, तू सिद्ध। मन कहेगा कि तू स्त्री पुरुष पर्याय, तू भोगी, तू कामी, तू वासना, तू वैष्णव में फंसा हुआ है। और जिनेन भगवान कहेंगे अरे छोड़, कहां पर्याय की ओर देख रहा, देख शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तेरे अंदर तीनों लोकों का नाथ सिद्ध स्वरूप परमात्मा जिनेन्द्र जैसा केवल ज्ञान सुरुदित हो रहा है। किसकी बात मानोगे भगवान जी, किसके वचनों को स्वीकार करोगे, किसकी किसकी ओर समर्पण करोगे, अपने मन के अहम की तरफ झुकोगे, अनादिकालीन अकसाय भोगों आदि परिणाम के संस्कारों की तरफ झुकोगे, या जिनवाणी जो सत्य कह रही है उसकी तरफ झुकोगे, किसकी तरफ देखोगे, जिनेन्द्र भगवान जो कह रहा है उस परम सत्य की तरफ देखोगे, या मन जो कह रहा है उस अशुद्धता की तरफ देखोगे, किसकी तरफ देखोगे, किसको मानोगे, किसको अपने सिरोधार्य करोगे, किसको श्रेष्ठ करोगे, जिनवाणी को सरोधार्य करोगे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सरोधार्य करोगे, या फिर अनादिकालीन का जो परिणमन घटा हुआ है, झूठा परिणमन, उस परिणमन को सरोधार्य करोगे, बता किसको ऊंचा करोगे, एक समय की चलने वाली पर्याय को, एक समय के चलने वाले परिणमन को, या आद्यम अनादि शुद्धम अविठम जिनम रही शेषानाम, जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं उस परम सत्य को किसको सरोधार्य करोगे, किसको श्रेष्ठ करोगे, काय की प्रतीति में झूलोगे, काय के आनंद में रहोगे, कसायों के, व्यसनों के, या फिर अहो इन कसायों व्यसनों पापों से मुक्त, इस परिणमन के काल में भी, इस परिणमन से भिन्न, इस शरीर के क्रहते हुए भी, इस शरीर से भिन्न, इन विभाव भाव के राग देश काम आदि के परिणाम चलते हुए भी, इन परिणामों से भिन्न, मैं निराकार ध्रुव केवल ज्ञान में आद्य मनादि शुद्ध सत्ता ही हूं, मैं आद्य मनादि शुद्ध सत्ता ही हूं, इस भिन्नता को स्वीकार करोगे या फिर अपनी मनमानी करोगे, ऐसी भिन्नता को स्वीकार करोगे या अपनी मनमानी करोगे, बता बता बता, ऐसी शुद्धता को स्वीकार करोगे या अपनी मनमानी करोगे, अपनी मनमानी करोगे, अपने मन के अनुसार परिणमित होगे, तो 84 लाख उत्पन्न उत्पन्न अनंत भाव, क्यों, क्योंकि मन तो कुटेव है भैया। देखो अच्छा बताओ, तुमने जन्म लिया था तो कौन ने तुम्हें खाना सिखाया था, अपने आप ही खाना सीख गए ना, थोड़े जैसे जैसे बड़े होते जा रहा है, कौन तुम्हें भोग करना सिखा रहा है, कौन तुम्हें इच्छाएं करना सिखा रहा है, कौन तुम्हें नाना प्रकार की इच्छाएं वासनाओं में रमण करना सिखा रहा है, कौन है जो तुम्हें अज्ञानता के भोगों सिखा रहा है, कौन है जो तुम्हें सिखाता है, कोई नहीं सिखाता, अपने आप सब सीख जाते हैं, अरे अपन तो इंसान है, जानवर भी अपने आप सीख जाता है, बताओ जब इंसान जानवर अपन लोग मन संगी पंचेंद्रियों की बात कर रहा हो, अरे जिनके पास मन नहीं है वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय भी अपना भोजन आहार पानी अपने सुख दुख का भोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सिखा रहा है सब कुछ, कौन सिखा रहा है, ये अनादिकालीन संस्कार, अनादिकालीन जीव के संस्कार, अनादिकालीन के संस्कार अनुसार जीव स्वयं सीख रहा, सीखा सिखाया है संस्कार में, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र रूप भोगो रूप अनादिकाल से परिणमित होता हुआ आया है, इसलिए इसे संसार का कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही परिणमित होने लगता है। मुंह से खाना है, कौन से खाता है तुम्हें, कान से क्यों नहीं खाते, कौन से खाता है, ये सब व्यवस्थित है भैया, अरे रे
ये तो ओ रे भगवान, ये तो 84 लाख योनियों का परिणाम संस्कार से चल रहा है, जो हमें इच्छाएं हो रही हैं ये हम नहीं कर रहे। भगवान यदि तुम ये जान लेते ना तो तुम सिद्ध हो जाओ अब भी आली, यदि मेरी इस बात को पकड़ लो ना तो तुम्हें कोई कभी घबरा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। जहां से मैं कह रहा हूं यदि वहां से तुम इस बात को पकड़ लो ना तो तुम्हें कभी कोई इच्छाओं से भयभीत नहीं कर सकता। क्या भैया क्या कह रहा है आप? ये जो इच्छाएं हो रही ना, जो कामनाएं हो रही ना, ये कामनाएं मैं नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? ये कामनाएं, ये भय, ये अनादिकालीन संस्कार जनित उदित हो रहा है, ये इच्छाएं पैदा मैं नहीं कर रहा, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वांछाएं, ये राग, ये विकार, ये मोह, ये अपनत्व, ये अनादिकालीन क्षुधा काम भोग विषय राग देश प्रपंच, ये सारे कार्य मैं नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? अनादिकालीन संस्कार। ओ रे भगवान, मैं तो अनादिकाल से यही सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ। अनादिकाल से छोड़ छो, अभी मैं मिथ्या दर्शन के साथ, अभी आत्मा के श्रद्धान करने के बाद भी, शुद्धात्मा श्रद्धान करने के बाद भी मैं तो ये सोच रहा था मुझे इन इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, इन इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा, इन इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन ओ भगवान जी, मुझे परम सत्य का तो आज पता लगा। क्या क्या पता लगा? कि ये इच्छाएं तो मैं कर ही नहीं रहा। तो भाई कौन कर रहा है? अनादिकालीन का मन का जो संस्कार है ना संसार का, वो कर रहा है। ए भगवान, मतलब अनादिकाल से मैं कुछ कर ही नहीं रहा? हाँ नहीं कर रहा। अनादिकाल से मैं शुद्ध सिद्धि हूँ? हाँ मैं शुद्ध सिद्ध हूँ। अनादिकाल से मैं अकर्ता अभोक्ता ही हूँ? हाँ मैं अनादिकाल से अकर्ता ही अभोक्ता हूँ। भैया इन इच्छाओं के दमन करने का कोई उपाय तो बताओ। अरे इन इच्छाओं को दमन करने का एक ही उपाय है। क्या क्या उपाय है भैया? इन इच्छाओं से भिन्न ही मैं निराकार तत्व भगवान आत्मा हूँ। इन इच्छाओं को मिटाना नहीं, इन इच्छाओं की सत्ता को ही मानना मानना, इन इच्छाओं से भिन्न हो जाना, एकमात्र स्वभाव की रुचि का जन्म हो जाना, एकमात्र ध्रुवता की रुचि का जन्म हो जाना, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव की रुचि का जन्म हो जाना। इन मन के संस्कारों के पीछे ना भागना, इन संस्कारों का पोषण करने के लिए पीछे, इन संस्कारों का पक्ष करने के पीछे ना भागना, बल्कि इस संस्कार उदय में आए तो इनसे भिन्न होकर ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, जिन वचनों की अनुमोदना करना, अपने आद्यम अनादि शुद्धम तत्व की अनुमोदना करना, निकांक्षित स्वभाव की अनुमोदना करना, कि मैं तो परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभाव हूँ, कांक्षा और इच्छा वांछा ये मेरा स्वभाव, भूख लगते हुए भी भूख लगा, जिसको भूख लग रही है वो मैं, भिन्न हो जाने का नाम मुक्ति है, परिणमन को बदलने की इच्छा का नाम मुक्ति नहीं है। आया समझ में? अंदर में गई है बात, अंदर में बैठी है बात, अंदर में छुई है बात, कि वास्तव में पर्याय के परिणमन को बदलने का नाम, पर्याय के परिणमन को बदलने का नाम मुक्ति नहीं है, पर्याय के परिणमन को चेंज करने की भावना मुक्ति नहीं है, बल्कि समस्त पर्याय परिणमन से अतीत ध्रुव परमात्म सत्ता पर बैठ जाने का नाम मुक्ति है। इन मन की इच्छाओं का कोई दमन नहीं कर सकता, सिर्फ ज्ञान का बल दमन कर सकता है, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि दमन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञायक स्वभाव अनिच्छ स्वभाव है, उसमें कभी कोई कामना, कोई वासना, कोई भावना उत्पन्न ही नहीं होती, वो शांत शून्य निराकार और परम आनंद परम ऐश्वर्य का धनीन है, उसमें अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत काल से अनंत संतुष्टि में अपने में स्वयं संतुष्ट वो चेतना स्वयं में परिपूर्ण है, उस चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करना ही अनंत संतुष्टि का कारण है। तो भैया एक एक समय की पर्याय का बदलने की भावना ये ही जीव का संसार का परिभ्रमण है। भैया आज तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? इच्छाएं मैं नहीं कर रहा, हम तो इच्छाओं से परेशान हो रहे थे। भैया सही बात, सत्य सुनने की ताकत लाओ, सत्य सुनने की ताकत लाओ, ताकत सामर्थ्य लाओ, सामर्थ्य। संस्कारगत इच्छाएं जीव नहीं कर रहा। भैया ज्ञानी जीव की चर्चा है ना,
वैसे अज्ञानी जीव के लिए भी यही सत्य है, लेकिन अज्ञानी जीव उसे का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है, अज्ञानी जीव की दृष्टि उन इच्छाओं पर रहती है, इसलिए इस दृष्टि से वह कर्ता भोक्ता है। लेकिन परम सिद्धांत तो यही है कि एक द्रव पर द्रव का कोई कार्य नहीं करता, इसलिए इच्छाएं कामनाएं वासनाएं ये पर द्रव का कार्य क्षेत्र है, पर की है, पर्याय में होने वाली अवस्था है, इसलिए इसका साम स्वामी जीवात्मा नहीं है। भैया फिर ज्ञानी की बात कर रहे हैं आप, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी को होती हुई इच्छाएं, ज्ञानी को भूख लगती है, भोजन करता है, लेकिन उसको भूख लगना और भोजन करना ये इस समय की पर्याय का परिणाम है, इस पे उसकी दृष्टि नहीं है। तो फिर ओहो इससे परे इससे अतीत मैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम ज्ञान अमृत का कुंभ हूं, ज्ञान आनंद मेरा हारे जिन वैनम जयवंतम। चिनेन्द्र परमात्मा जो सत्य कह रहे हैं वो जिन स्वभाव मेरा स्वभाव है, ऐसे जिन स्वरूप का अमृत पान करना ही ज्ञानी के जीवन का ज्ञान अमृत में स्नान है, ज्ञान अमृत में स्नान है। जिस ज्ञान अमृत में स्नान करने से संसार पर्याय परिणमन कर्म उदय स्वयमेव स्वतः क्षय हो जाते हैं, अज्ञानता स्वयमेव स्वतः क्षय हो जाती है, तो ज्ञान विभाव भाव स्वतः क्षय हो जाते हैं, अपने आप ही क्षय हो जाते हैं, अपने आप ही ज्ञान विज्ञान स्वभाव, अपने आप ही आत्मा परमात्मा का जागरण हो जाता है, अपने आप ही स्वानुभव का जागरण हो जाता है। काय के बल पे भैया? सत्य को स्वीकार करने के बल पे। पर्याय परिणमन को बदलने का विकल्प नहीं करता वो, हाँ, बल्कि पर्याय परिणमन को देखता ही नहीं है, जिससे पर्याय परिणमन उसकी सत्ता में प्रवेश ही नहीं करता। अज्ञानी जी पर्याय परिणमन को देखता है तो राग को देखने से उसका राग बढ़ता जाता है, मतलब राग की एक समय की पर्याय आएगी, देश की एक समय की पर्याय आएगी, वो 6 महीने तक चिंतन करता रहेगा, वो दिन भर घुटता रहेगा। वो ज्ञानी एक छपानी के बुलबुलों की तरह उठी उसकी कसाय पूर्ण कर्म के निमित्त से और आई और बिला गई, उसके बाद उसे पता ही नहीं है कि क्या होती कसाय। कसाय के काल के काल में कहो तो दो चार सेकंड के लिए जुड़ भी जाए वो, लेकिन कसाय के परिणमन जाने के बाद हंसता है वो अपने आप में, ये तो पर्याय का परिणमन आया था और चला गया, मैं तो ध्रुव शुद्ध आत्मा ही है जिन्हें भगवान के वचनों की स्वीकारता। भैया आप कहला लो यहां बैठा के तो हम कह दे रहा है, लेकिन आप बाहर जाके पूछोगे तो कहेंगे भैया आप कर रहे हैं धीरे धीरे। अरे भगवान कब तक धीरे धीरे करोगे आप? अब तो आर और पार, अब तो एक एक तरफा कार्रवाई करो, एक तरफा जिन भगवान के वचनों की ओर अपना समर्थन दो, एक तरफा ध्रुव त्रिकाल की ओर दृष्टि करो, एक तरफा पर्याय परिणमन से परे अपने परम शुद्ध वितराग स्वभाव की अनुबोधना करो। अब दो तरफ चलने का काम नहीं है, अब तो एक तरफा कार्रवाई करो, एक तरफा कार्रवाई करो भैया, एक तरफा कार्रवाई करो। क्या करें भैया एक तरफा कार्रवाई? कि शरीर से, मन से, वचन से, काय से इच्छा वासना कामना भोग आदि का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। पक्का? कितनी इच्छाएं होंगी, कितने ही परिणमन होगा, कितने ही शरीर आदि संयोगों में कुछ भी होगा, कुछ 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 अच्छा बुरा नहीं है, सब एक जैसा है, मेरा है ही नहीं। बस जब मेरा नहीं है तो ना सुख है बाहर, ना दुख है बाहर, बाहर कुछ भी नहीं है, फिर मैं आद्य अनादि, बस मेरे अंदर में अनंत सुख है, मेरे अंदर में परम आनंद है, जिन वचनों में परम आनंद है। भैया ज्ञानी के पास इतना ही तो काम है अपने लिए, देखो अपन लोगों के लिए, आप और हमारे लिए इतना ही तो काम है कि ऐसी जिनवाणी की बार बार अनुबोधना करते रहे, ऐसे जिन भगवान के वचनों की बार बार प्रतीति करते रहे, आद्य मनादि शुद्धम का बार बार स्मरण आता रहे और पर पर्याय की ओर दृष्टि ना जाए, हो गई मुक्ति। मतलब अपनी भूमिका का पुरुषार्थ हो गया, अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन और ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करना। तो जितनी अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति आएगी उतनी अपने ज्ञान की निर्मलता हो जाएगी, जितनी ज्ञान दर्शन की निर्मलता होगी धीरे धीरे वैसे वैसे चारित्र बढ़ेगा, वैसे वैसे चारित्र की भावना उत्पन्न होगी, वैसे वैसे आगे का आचरण होगा। भाई आगे का आचरण अभी तुरंत आगे का आचरण क्यों नहीं हो रहा? भैया अभी तुम्हारे कर्म बचे ना पूर्व के बंधे हुए,
तुम 50 साल की आयु लेके आए हो तो 50 साल तुम्हें क्या भोगना निश्चित है ना, अभी तुम चारित्र कैसे ले लोगे? पुरुषार्थी जीवों की चर्चा है कि मान लो अभी तुम्हारे घर जाके तुम्हारी लड़ाई होना है और अभी तुम साधु कैसे हो जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी लड़ाई का परिणाम बाकी है ना, घर जाके अभी तुम रोटी बनाने का परिणाम बाकी है। तो भैया अभी तुम रोटी बनाने का परिणाम बाकी, घर जाके तुम अर्जी का कैसे हो जाएगा, अर्जी का माता जी कैसे हो जाओगे? क्यों भैया? क्योंकि तुम्हारे कर्म सत्ता, तुम्हारी सत्ता में वो रोटी बनाने का परिणाम पड़ा हुआ है ना। अरे भगवान जी, मतलब रोटी बनाने का परिणाम पड़ा है इसलिए मर्जी का नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाओगे, परिणाम को कोई नहीं बदल सकता। तो भैया फिर क्या करें हम? क्या करें हम? अर्जी का होने के परिणाम को मत देखो, अर्जी का जैसा परिणाम आर्जिक भाव उत्पन्नम, सरल स्वभाव उत्पन्न करने से अर्जी का पद उत्पन्न होगा। आर्जिक भाव को उत्पन्न करो, आर्जव भाव उत्पन्न करो, आर्जव भाव सहकार करो ध्रुपत्रकाली देव का, ध्रुपत्रकाली देव का सहकार करो, ध्रुपत्रकाली देव का आर्जव भाव का स्वीकार करने से, आर्जव भाव का सहकार करने से वीतरागता उत्पन्न होगी। संसार चतुर्गति में चक्राने से वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी, 84 लाख योनियों में चक्राने से वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी, पर पर्याय को देखने से वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। आर्जव भाव अपने सरल स्वभाव है ना, ज्ञायक भाव, सबसे निर्लिप्त और न्यारा ज्ञान में स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करोगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी। अब मानोगे नहीं मानोगे जिनेन्द्र भगवान की? अब मानोगे नहीं मानोगे जिनेन्द्र भगवान की? अब मानोगे या नहीं मानोगे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को? आप स्वीकार करोगे या नहीं स्वीकार करोगे कि अभी भी अपना अहंकार करोगे? भैया नहीं, भैया इच्छाएं चल रही, कामनाएं चल रही, भैया आर्जी का नहीं हो पा रहा है, हम तो माता जी नहीं बन पा रहा, भैया हम तो साधु नहीं हो पा रहे, भैया हम तो घर नहीं छोड़ पा रहे। अरे भैया कर्म धारा को बदलने में जिनेन्द्र इंद्र धरेन्द्र कोई भी सामर्थ्य नहीं है। फिर भैया पर्याय परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन इस पर्याय परिणाम से भिन्नता के लिए मेरे पास सामर्थ्य है, मेरा ध्रुपत्रकाली है। यदि ज्ञान ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करोगे, ज्ञान से ज्ञायक स्वभाव की अनुबोधना करोगे, ज्ञान विज्ञान से जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सहकार करके ध्रुपत्रकाली परमात्मा का सहकार करोगे, तो अभी इसी समय इस काल में ही चलती हुई इन पर्याय के परिणाम से तुम्हें भिन्न अपने निराकार ज्ञायक स्वभाव अनुभव में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिख जाएगा। अपनी अंतरात्मा अभियाली दिखेगी कि देखो सब पर्याय से भिन्न है, सब परिणमन से भिन्न है। भैया परिणमन से भिन्नता होने का नाम दर्शन ज्ञान की निर्मलता का नाम शुद्ध पुरुषार्थ है, सुबह सुख के परिणमन का नाम नहीं है पुरुषार्थ। भैया अब तो अनुबोधन करो, बारंबार अनुबोधन करो जिन वचनों का, 5-6 दिन हो गए जिन वैनम जयवंतम बोलते हुए लगातार, आद्यमनादि शब्दम बोलते हुए 2 महीने हो गए, अब तो प्रतीति में लाओ, गाढ़ प्रतीति में। क्या मैं तो आद्यमनादि शुद्ध ही हूँ, जिन वचन ही मेरा पुरुषार्थ है, जिन वचन ही मेरे लिए सर्वत्र साध्य हैं, जिन वचन ही मेरे लिए पूर्ण साध्य हैं, जिन वचनों के अलावा मुझे और कोई पुरुषार्थ नहीं करना, मात्र मुझे जिन भगवान के वचनों को बार बार साधना है। मैं आ करता, मैं आ भोगता, मैं आ करता, मैं आ भोगता, मैं ध्रुव, मैं सेत। भैया मन की इच्छाएं होंगी, भैया हम भैया घर जाते, भैया हम बहुत घबराहट हो रही, भैया बहुत घबराहट हो रही, हम घर आ जाते, भैया फिर पाप का परिणाम चलने लगेगा। भैया तुम पाप के परिणाम से भिन्न हो, अब घबराहट खत्म हुई है नहीं, भैया पाप के परिणाम से भिन्न है हम, हाँ भिन्न हो, भैया घर जाकर फिर इच्छाएं चलने लगेंगी, तुम इच्छाओं से भिन्न हो। भैया अब भी अली चर्चा बंद करेंगे फिर विकल्प चलने लगेंगे, तुम विकल्प से भिन्न हो। अब तो खत्म हो गई ना, जिनेन्द्र भगवान की बात सुन ली ना, अब तो खत्म हो गई ना टेंशन। भैया विकल्प के समय, इच्छाओं के समय, घर जाके पापों के समय हम क्या करेंगे? पर जिनेन्द्र भगवान के वचनों को याद कर लेना और आनंद में हो जाना। जिन भगवान के वचनों को याद कर लेना और अपनी आत्मा की मस्ती में खो जाना। क्या करेंगे विकल्प के समय? क्या करेंगे हम? जिन भगवान के वचनों को याद कर लेना। करते भोगते समय, भैया खाते पीते समय क्या करेंगे? जिन्हें भगवान के वचनों को याद कर लेना, खाते पीने के परिणाम से भिन्न हो जाना। भैया भोग के काल में क्या करेंगे? भोग उपभोग चलेगा संयोग में, राग देश के परिणाम चलेंगे, उस काल में क्या करेंगे भैया हम? अरे आप ब्रह्म इंद्रियों के, आप ब्रह्म के पोषण के काल में
राग के में एक मेक हो रही है, पुद्गल में एक मेक हो रही है, कर्ण इंद्रिय के सुनने में, बोलने बताने में, रसना इंद्रिय के स्वाद में एक मेक हो रही है भैया, इन विषयों में एक मेक के काल में क्या करेंगे? अरे आत्मस्वभाव की प्रतीति को उत्पन्न कर लेना, जिन भगवान के वचनों की अनुबोधना कर लेना, भैया गुरुदेव आपके कहे हुए वचन सत्य है, ये सारा परिणमन मुझसे असत्य है, ये स्वाद ले पे और नरम कठोर, ये स्पर्शन रसना घ्राण के सारे विषय सब इंद्रिय के विषय असत्य है और मेरा शाश्वत स्वभाव सत्य है। ऐसे ध्रुव त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की आत्म जागृति सहित अनुबोधना कर लेना, ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना से ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो जाएगी और ये पर विषयों की भिन्नता का जो भाव है वो तुम्हारे अंदर में बना रहेगा। ज्ञायक भाव की प्रकटता का जो स्वभाव शुद्ध भाव है वो शुद्ध भाव तुम्हारी जिज्ञासा में, तुम्हारी प्रतीति में, तुम्हारे स्मरण में बना रहेगा, तुम्हारी इच्छा में मोक्ष मार्ग बना रहेगा, तुम्हारी अभिलाषा में शुद्ध मोक्ष मार्ग बना रहेगा। बस इस अभिलाषा में, इच्छा में, अर्थात अपनी भावना में शुद्धता का बने रहना, शुद्धता का बना रहना, अपनी जिज्ञासा में शुद्धता का बने रहना, अपनी प्रतीति में शुद्धता का बने रहना, यही तो पुरुषार्थ है। बाहर से किया धरा पुरुषार्थ थोड़ी ना है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता से जो बाहर परिणाम आता है कर्मों के क्षय होने के बाद वो सहज आता है। अभी तो दर्शन ज्ञान की निर्मलता की बात चल रही भैया, अभी कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, पापों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, पुण्य को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, पापों की रुचि की बात भी नहीं स्वीकार की जाएगी, पापों में लिप्त होने की बात भी स्वीकार नहीं की जाएगी और पुण्य में लिप्त होने की बात भी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कहा जाएगा कि पुण्य और पाप का जो परिणमन चल रहा है वो दोनों बिल्कुल बकवास है और तू उससे भिन्न निराकार चेतनमय भगवान आत्मा है, पुण्य पाप दोनों का पक्ष छोड़ के एकमात्र ध्रुव सत्य की अनुबोधना कर। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि भैया पाप की वृत्ति से नहीं छूट पाते, भैया पाप की वृत्ति भी चल रही है। अब शुरू शुरू में सुनो तो ऐसा होता है कि भैया पाप की वृत्ति चलते समय भी हम ऐसे कहते हैं कि हाँ भैया हम भगवान आत्मा है, पाप तो अलग है, पाप करते हुए भी ऐसा कहते हैं। लेकिन भैया ऐसा होता है, लेकिन ये बात सुनो, पाप करते हुए भी कहते हैं ऐसा होता है, लेकिन भैया भूमिका में पाप का परिणमन चलना यही जानो ऐसा हो रहा है, उससे भी मत घबरा। फिर पाप हो ही रहा भैया, बुद्धिपूर्वक हट ही नहीं पा रहे आप, घबराओ मत, धीरे से स्वभाव का बल लो, स्वभाव का जैसे जैसे बल लोगे, पाप के परिणमन के बिलाने का काल भी आएगा, आएगा और आएगा, लेकिन यथार्थ ज्ञान के पोषण करते करते आएगा। आप तो जिन भगवान के वचनों को सुनो, जिन भगवान के वचनों का अभ्यास करो, ज्ञायक स्वभाव का अभ्यास करो, पाप के से मुक्त होने का परिणमन भी आपके जीवन में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, और इसका प्रमाण हम है, हमारे जीवन में आया। हम भी कैसे पापों में लिप्त थे, आप ही जैसे थे या नहीं थे, हमारे जीवन में आया ना, कहाँ से आया, हमने तो कोई नियम नहीं लिए, कोई व्रत नहीं लिए, कोई दीक्षा नहीं ली अभी तक, फिर विरक्त होने का परिणाम कैसे आ गया भाई आपके जीवन में? बस इसी से आया, ध्रुव स्वभाव की अनुबोधना से आया, अंतरंग से आया। बस जब हमें अंतरंग से आया ना, प्रमाण है ना आपके सामने, बस आपको भी अंतरंग से आएगा, अपने आप आएगा, समय पे आएगा, अपने होने पर, अपनी होनार से आएगा। भैया उस होनार को कैसे पकाएं? जिन वचनों की अनुबोधना करके पता का एक समय भी ज्ञान विज्ञान की अनुबोधना से मैं ना चूकूं, ऐसा भाव रहा है, नहीं कर पाए अपन, हर समय नहीं कर सकते, मालूम है, हमें मालूम है, हमारा भी इतना प्रसाद नहीं है कि हमने कह दिया एक समय भी ना चूकूं, एक समय तो पकड़ में नहीं है, हम भी भूल जाएं, दो चार घंटे इधर उधर काम में लग जाएं, लेकिन भावना तो बनी रहा है ज्ञान विज्ञान स्वभाव, रुचि तो बनी रहा है ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, ललक तो बनी रहा है ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, सत्य का सहकार तो बना रहा है। भैया बस समय ओवर हो रहा है, इसलिए बस आज इतना ही कह के छोड़ रहा है, भैया ललक बनी रहा है, रुचि बनी रहा है, प्रतीति बनी रहा है, बोध बना रहा है, इसका नाम ही साधना है। जीव के अंदर उत्साह बना रहा है जिन स्वभाव के प्रति, उत्साह बना रहा है, अंतर से उत्साह बना रहा है जिन स्वभाव के प्रति, इसका नाम ही साधना है भैया। ऐसे अपनी साधना को, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव को, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को साधो पूरी रुचि से, ऐसी भावना बनी रहा है, ऐसी ललक बनी रहा है, और इन कर्मों के उदय से बिल्कुल कोई घबराहट ना हो, अंतरंग में जय जयकार मची रहा है जिन भगवान के वचनों की, मान लो स्वभाव के अनुभव की नहीं हो रही, चलो भैया मान लिया हमने आपको स्वभाव के अनुभव की नहीं आ रही, स्वभाव के अनुभव की हर समय नहीं रहती, लेकिन जिन भगवान के वचनों की तो हर समय रह सकती ना, वो तो अपना दायित्व है। बस स्वभाव की अनुबोधना की नहीं रह पाए, स्वभाव का बहुमान ना उछले, जिन भगवान के वचनों का बहुमान अपनी तरफ से करो, अपनी तरफ से जिन भगवान के वचनों का बहुमान करोगे, जिन वचनों की प्रतीति आएगी, तो स्वभाव का बहुमान तो पीछे से आ ही जाएगा।
जिन भगवान के वचनों का स्मरण आएगा, वस्तु स्वरूप का स्मरण आएगा, तो राग देश की पर्याय बिलाएंगी, सब असत्य भाषित होगा पर्याय पदगल, और पीछे से स्वभाव का भगवान अपने आप ही चल के आ जाएगा। इसलिए भैया पर्याय की चिंता छोड़ो और चिंता करो चिंतामणि जय रमना, जयवंत स्वभाव में रमण करने की चिंता करो। ऐसा ही सद्गुरुदेव का समस्त भव जीवों के लिए मंगल में परम पवित्र शुभ उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवान सद्गुरु तारण करण मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। नहीं शुद्ध जिन देशना की जय हो।